नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं सिड ब्लॉग्स। हमने आपको अभी दर्शन कराए प्रेम सरोवर के। प्रेम सरोवर से हम आते हुए हम जा रहे थे तो यहाँ पे माता जी की गौशाला पड़ती है रास्ते में, तो हमने माता जी के सोचा कि माता जी की गौशाला को हम कैप्चर करेंगे आज पूरा। तो आप देख सकते हैं कि सामने आप बोर्ड देख रहे होंगे, ये माता जी की गौशाला का ही बोर्ड है। ये रमेश बाबा जी है जो बहुत बड़े संत महापुरुष है ब्रज के। इन्होंने ही ये माता जी की कृपा से, इनकी माँ, ये माता जी इनकी इनकी कृपा से इन्होंने ये गौशाला का जो है इन्होंने शुरू करा है, जिसमें ये इनकी हजारों गायें डेली ये गायों की सेवा करते हैं। और इन्होंने यही लोग ही इनकी गायों को कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे मान लो कि गाय की कोई बीमार है पड़ गई या कोई दवा पानी के कोई भी कुछ खर्चा होता है, ये सब रमेश बाबा जी के थ्रू ही होता है। सब ये लोग ही सेवा वगैरह सब करते हैं। तो आइए, आज आपको मैं दर्शन कराने ले जा रहे हैं गौशाला के माता जी की। आप देख सकते हैं यहाँ पे हजारों की संख्या में गायें देख रहे होंगे आप। देखिए, आप मैं आपको दिखाता हूँ, हजारों की संख्या में आप गायों के दर्शन कर रहे होंगे। देखिए, आप देख सकते हैं कि आप गायों की पीछे तक देखिए आप कितने गायें हैं। अभी ये पूरा आप देख रहे हैं, जगह बनी हुई है, ये सब गायों की है। यहाँ पे चारा भी लोग आते हैं खिलाते हैं, और यहाँ पे चारा भी कुंटल कुंटल यहाँ पे मिलता है, और यहाँ पे गायों की सेवा होती है दिन रात, दिन प्रति सेवा होती है। और कोई गाय जो बीमार पड़ जाती है उनकी भी यहीं सेवा होती है। यहाँ उनका चिकित्सालय खोला हुआ है जहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट होता है, मेडिकेशन होती है प्रॉपर तरीके से। आप देख सकते हैं कि कितना पॉजिटिव, मतलब कह सकते हैं पॉजिटिव पूरा है, मतलब पॉजिटिविटी इतनी है यहाँ पे, और इतनी ज़्यादा यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा है, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ गौ माता होती है और जहाँ ग्रीनरी ज़्यादा होती है वहाँ पे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं गाय को हमारी माता कहा गया है, और गाय माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको पूरा कैप्चर करके दिखा रहा हूँ कि श्री जो हमारे संत जी है श्री रमेश बाबा जी, उन्होंने ये पूरी गौशाला, माता जी की कृपा से उन्होंने पूरी गौशाला का ये जो अभियान है वो शुरू किया है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है यहाँ पे अंदर। यहाँ पे हमने गार्डन भी बना रखा है बहुत ही सुंदर, जो आप फिर से देख सकते हैं। देखिए, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे दो गौशाला है। जो मैंने आपको पहले दिखाई थी वो पुरानी गौशाला है, और जो मैं आपको अभी आगे ले जाने वाला हूँ वो न्यू गौशाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो गौशाला है। और तो और मैं आपको और दिखाता हूँ, आप यहाँ देखिए कितना सुंदर यहाँ पे दृश्य है, मनमोहक दृश्य है। वो देखिए आप, पहाड़ है, वो पूरा पहाड़ है यहाँ पे सारी। अभी तो खैर दोपहर हो रही है तो यहाँ पे गौ माता नहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गौ माता एक छाँव है, छाँव शेड में रखी गई होगी, वहाँ पे वो आराम कर रही होगी गाय गाय माता। बट जब यहाँ पे शाम होती है तो यहाँ पे पूरे गौ माता के पूजा होता है, जहाँ पे आपको दिखेगी हजारों की संख्या में। और आप देख सकते हैं गौ माता की कैसी यहाँ पे सेवा की जाती है। आप देखिए कितना सुंदर दृश्य है, कितना पॉजिटिविटी आपको यहाँ पे आके मिलेगी, जो मैं यहाँ पे अनुभव कर रहा हूँ। आप यहाँ पे आएंगे तो आप भी यहाँ पे अनुभव करेंगे पॉजिटिविटी का। देखिए कितने हजारों की संख्या में यहाँ पे गौ माता है। देखिए यहाँ गौ माता के लिए पानी रखा गया है, प्रॉपर फैसिलिटी है यहाँ पे गौ माता की, चारा की प्रॉपर फैसिलिटी है यहाँ पे, खाने पीने की गौ माता के लिए, और यहाँ पे मेडिकेशन की प्रॉपर फैसिलिटी है।
अगर गौ माता बीमार पड़ जाती है तो उनकी चिकित्सा के लिए यहाँ पे डॉक्टर भी है पशुओं के, और यहाँ पे मेडिकेशन के लिए यहाँ पे दवाइयाँ वगैरह भी यहीं बनती है और यहीं सप्लाई होती है। और यहाँ पे धूप आप गाय से जो भी गाय के जो भी मटेरियल होता है गाय से गोबर से, जैसे गाय के गोबर का जो होता है मटेरियल, तो यहाँ पे गाय के गोबर से गूगल से धूप बनता है, जो कि इनका धूप बहुत ज़्यादा फेमस है। हम खुद लेकर आए थे धूप अपने घर के लिए, तो बहुत सुंदर था वो भी धूप और काफ़ी मनमोहक दृश्य आप देख सकते हो। देखिए आइए मैं आपको नई वाली गौशाला की ओर ले चलता हूँ, मेरे साथ चलिए। ये आपको मैंने पुरानी गौशाला दिखाई, आइए मैं आपको नई गौशाला की ओर लेके चलता हूँ। देखिए इस जगह को क्या बोलते हैं, गोरज क्षेत्र, देखिए जहाँ गौ की रज को भी श्रेष्ठ माना गया है, तो इसलिए हमें गौ माता की मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए गौ माता का, और हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि गौ माता की सेवा करने से 33 करोड़ देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं सिर्फ गौ माता की सेवा करने से ही। आप देख सकते हैं, आइए मैं आपको नई गौशाला की ओर ले चलता हूँ। देखिए मैं आपको नई गौशाला खाने जा रहा था, तो मुझे रास्ते में ये दो गौशाला आपको मैंने बताई, एक पुरानी वाली जो मैंने आपको पहले दिखाई थी और ये नई वाली है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा यहाँ पे स्टोर किया जाता है चारा गाय माता के लिए, जो दिन रात यहाँ पे चारा के यहाँ पे लोग चढ़ाते भी हैं, सेवा भी करते हैं यहाँ पे लोग। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रमेश बाबा जी के थ्रू ये सारी चीज़ें इनकी सेवा होती है। देखिए आप कितना ज़्यादा देख सकते हैं, कितना बड़ा ये देखिए आप कितना ज़्यादा इतना बड़ा कुंटल यहाँ पे चारा जाता है और सेवा होती है गौ माता की। आप देख सकते हो दिन रात यहाँ पे सेवा ही सेवा होती है। ये नई गौशाला है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो। देखिए मैं आपको नई गौशाला खाने जा रहा था, तो मुझे रास्ते में ये दो गौशाला आपको मैंने बताई, एक पुरानी वाली जो मैंने आपको पहले दिखाई थी और ये नई वाली है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा यहाँ पे स्टोर किया जाता है चारा गाय माता के लिए, जो दिन रात यहाँ पे चारा के यहाँ पे लोग चढ़ाते भी हैं, सेवा भी करते हैं यहाँ पे लोग। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रमेश बाबा जी के थ्रू ये सारी चीज़ें इनकी सेवा होती है। देखिए आप कितना ज़्यादा देख सकते हैं, कितना बड़ा ये देखिए आप कितना ज़्यादा इतना बड़ा कुंटल यहाँ पे चारा जाता है और सेवा होती है गौ माता की। आप देख सकते हो दिन रात यहाँ पे सेवा ही सेवा होती है। ये नई गौशाला है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे गौ के जैसे मैंने आपको केयर करा रहे हैं कि सामने गौचारण का वक्त हो गया है, टाइम हो चुका है, शाम के 5 बज चुके हैं, और ये देखिए गौचारण की तरफ इन्होंने खोल दिया है और गाय जा रही है गौचारण करने के लिए। देखिए आप ये देख सकते हैं, इतना सुंदर ये सीन है। देखिए ये गौ की गौर गाय का नाम है नंदी, आप देख सकते हैं। वो सामने पहाड़ है, दोस्तों मैंने आपको दो गौशाला दिखा दी। पीछे जो मैंने दिखाई थी आपको वो पुरानी गौशाला थी, अब जो मैंने आपको दिखाया है वो नई गौशाला थी। मैंने आपको दो गौशाला दिखा दी है, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो सेवा होती है गौ माता की, जो यहाँ पे गौ माता की चिकित्सक होती है चिकित्सालय, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ गौ माता का
वो मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ, आप दर्शन करिए उनका, और आपको मैं वो भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे कैसे सेवा होती है, डॉक्टर कैसे सेवा ये सेवा करते हैं गौ माता की, जब गौ माता बीमार पड़ जाती है। तो आइए मैं आपको आपको दर्शन कराता हूँ यहीं से गौ माता के चिकित्सक का, चिकित्सालय का यानी हॉस्पिटल का। देखिए ये आप देख रहे होंगे श्री श्याम लक्ष्मी गौ चिकित्सालय एवं अनुसाधन केंद्र, ये आप देख सकते हैं कि ये जो हॉस्पिटल है ये गौ माता के लिए गौ माता का है, जब गौ माता कभी बीमार पड़ जाती है तो यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट होता है, यहीं पे वो आते हैं, यहीं पर वो लेकर आते हैं और वहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं गौ माता का अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है, आप देखिए पीछे पहाड़ है, जस्ट मेरे अपोजिट देखेंगे तो पहाड़ है और जस्ट उसके सामने ये आप देख सकते हैं कि ये हॉस्पिटल है और आपका गौ माता, कितना सुंदर दृश्य है आप देख सकते हैं मनमोहन, सामने आप वो ठाकुर जी के दर्शन होंगे, मैं जूम करता हूँ, देखिए आप दर्शन कर सकते हैं ये ठाकुर जी का, बीच में जो है वो रमेश बाबा जी है, आप उनका भी दर्शन कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर आपको मैं दर्शन करा रहा हूँ, देखिएगा दोस्तों, आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी, और मेरे को इस वीडियो पे आप लाइक भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, जितनी आप शेयर करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, उतना मुझे और काम करने की शक्ति मिलेगी ताकि मैं और काम कर सकूँगा, आपको और ब्रज के दर्शन कराऊँगा। जितना आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, जितना आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी, उतना मैं आपको और ब्रज के दर्शन कराता रहूँगा इस लॉकडाउन में। आप देख सकते हैं कि मैं लॉकडाउन, अभी सैटरडे संडे लॉकडाउन होता है, अभी लॉकडाउन नहीं है पर वीकेंड्स में लॉकडाउन है, मैं फिर भी आपको दर्शन करा रहा हूँ, आप देख सकते हैं मनमोहक दृश्य का आपको मैं दर्शन करा रहा हूँ। तो आप इसके लिए मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सिड व्लॉग के नाम से, सिड व्लॉग्स के नाम से। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जितना इसको शेयर करेंगे उतना ये आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि आप करेंगे तो आप उसके पुण्य के भागी बनेंगे। तो आप मेरे वीडियो को देखें तो वीडियो को मेरी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। ये देख सकते हैं ये कितना सुंदर इन्होंने बनाया है चिकित्सालय, जो है डॉक्टर जो हॉस्पिटल बना रखा है गौ माताओं का, वो कितना सुंदर अद्भुत है, मैं आपको शब्दों में बखान करके नहीं बता सकता इतना सुंदर मेरे को यहाँ आके लग रहा है। देखिए आप इतना सुंदर दृश्य है, इतना सुंदर।